आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहसिन अपने चैनल VFFF वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज में आप लोगों को खुशामदीद कहता है। दोस्तों मेरी जितनी भी वीडियोस होती हैं वो आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए होती हैं। ये जो हमारी वीडियो है ये बेसिकली क्विज़ के ऊपर है, और क्विज़ की जो वीडियो होती है उसमें मैं बताता चलूँ कि हर मतलब स्टूडेंट के जो क्विज़ हैं वो डिफरेंट आते हैं, लेकिन वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर कम फ्रॉम विच चैप्टर, कि कहाँ कौन से चैप्टर से आ रहे हैं, तो आप लोग वो उसकी तैयारी करके अपना क्विज़ अटैम्प्ट कर सकते हैं। या सम टाइम आपका एक आध या दो तीन क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं तो वो आप ठीक कर सकते हैं। दोस्तों जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो नई अपलोड करूं तो आप लोगों को उसकी अलर्ट मिल जाए। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो है वो ECO 401 इकोनॉमिक्स का जो हमारा क्विज़ नंबर 1 आया हुआ है उस हवाले से है। तो चलिए हम लोग अपना क्विज़ देखते हैं। द मिनिमम प्राइस द गवर्नमेंट सेट टू सपोर्ट डिज़ायर कमोडिटी और सर्विसेज इन अ सोसाइटी इज़ नोन एज। इसमें प्राइस सीलिंग है, प्राइस रोटेशनिंग है, और प्राइस फ्लोर है, और प्राइस कंट्रोल है। तो प्राइस सीलिंग जो है वो इसका ठीक जवाब है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो कीमत सेट करती है कमोडिटी को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एहसान चप्पल स्टोर इज़ लीडिंग शूज़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इफ़ क्वांटिटी सप्लाइड ECS शूज़ इंक्रीज मोर देन द इंक्रीज इन प्राइस then one can conclude that the supply curve for shoes is इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक। तो इसमें मैंने जो लगाया वो इनइलास्टिक लगाया है, सेकंड वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ़ P इज़ इक्वल टू 20 एंड Q इज़ इक्वल टू 50 दैन टोटल रेवेन्यू विल बी। तो इन दोनों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वी हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ TR टोटल रेवेन्यू। इसमें फर्स्ट जो ऑप्शन है वो 54 है, सेकेंड 30 है, थर्ड 1000 है, और लास्ट वाला 70 है। तो 20 मल्टीप्लाई बाई 50 तो वो 1000 बनता है। तो इसमें हमारा थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो ठीक जवाब है। नेक्स्ट है जी, इफ़ अ डिक्रीज इन प्राइस इंक्रीज द टोटल रेवेन्यू। तो इससे क्या होगा, डिमांड इज़ इलास्टिक, डिमांड इज़ इन इलास्टिक, सप्लाई इज़ इलास्टिक एंड सप्लाई इज़ इन इलास्टिक। तो मैंने जो इसका लगाया वो डिमांड इज़ इलास्टिक लगाया, फर्स्ट वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ़ द मार्जिनल यूटिलिटी इज़ इक्वल टू 50 एंड प्राइस इज़ इक्वल टू 40 कंज्यूमर सरप्लस विल बी 10 -10 90 एंड 100। तो 10 जो है फर्स्ट वाला वो इसका ठीक जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हेन द प्राइस ऑफ CD प्लेयर इंक्रीजेज इट्स टोटल रेवेन्यू डिक्रीजेज दिस शोज द डिमांड ऑफ आर CD प्लेयर इज अनस्टेबल, प्राइस इन इलास्टिक, प्राइस इलास्टिक एंड यूनिट प्राइस इलास्टिक। तो इसमें जो थर्ड वाला है प्राइस इलास्टिक ये इसका ठीक जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, दी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट फॉर प्राइस राइज इज ऑलवेज यूनिडिफाइंड है, पॉजिटिव है, जीरो है एंड नेगेटिव है। तो नेगेटिव जो है वो इसका ठीक जवाब है, मतलब लास्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये तो वही क्वेश्चन है जी 7-8 है जी। द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द एंटायर इकोनॉमी such topic as aggregate production, unemployment and inflation is called। आपकी मैनेजेरियल इकनॉमिक्स है, माइक्रो इकनॉमिक्स है, माइक्रो है या फाइनेंशियल इकनॉमिक्स है। तो हमारी डिमांड सप्लाई वाले ये सारी चीज़ें माइक्रो के अंदर आती हैं, इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी मैक्रो के अंदर आती हैं। तो सेकंड वाला जो है वो इसका ठीक जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ़ द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर बटर इज़ -1.5 as compared to the cream, it means that butter is inferior good, butter is normal good and butter is substitute good, butter is complement good। तो butter is substitute good, थर्ड वाला जो है वो इसका ठीक जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी लास्ट वाला, एन इक्विलिब्रियम प्राइस इज अ प्राइस फ्लीविंग एट द पॉइंट ऑफ intersection where quantity demand is greater than the quantity supplied, quantity demand is less than the quantity supplied, and quantity demand is equal to quantity supplied and quantity demand is not equal to quantity supplied. तो इसमें जो थर्ड वाला है equilibrium is a point where the price quantity demand is equal to the quantity supplied. तो थर्ड वाला जो है इसका ठीक जवाब आ जाएगा। दोस्तों ये था हमारा क्विज ECO 401 इकोनॉमिक्स का, और मोहसिन भाई की वेबसाइट PUFFF.com देखते रहिए क्योंकि वहाँ पे आपको मिड टर्म और फाइनल टर्म के हवाले से सॉल्व पेपर अवेलेबल हैं, और मोहसिन भाई का यूट्यूब चैनल youtube.com/VFF4U देखते रहिए, और मोहसिन भाई को दुआ में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।